देवदत्त उनको मारना चाहता था, इसलिए उसने ऊपर से एक पहाड़ी को उनकी तरफ लुढ़का दिया। पहाड़ी की आवाज सुन के और पहाड़ी को आता देख के भगवान बुद्ध एक साइड में हो गए, मगर पहाड़ी का एक टुकड़ा टूटकर उनके पैर में लग गया और उनके पैर से खून बहने लगा बहुत ज्यादा। तो भिक्खु संघ थोड़ा सा चिंतित हुआ। भिक्खु संघ उनको अरहंत बग्गो, अरहंत जो बोलते हैं उनको बोलते हैं जिन्होंने जो धम चक्के जितने भी आरे हैं या जिनको अर बोलते हैं। अर का मतलब जो स्पोक्स होती हैं, तिलियां होती हैं धमचक में, इसका मतलब जो धमचक जिनसे मिलके बना हुआ है, 12 स्पोक्स होती हैं, 12 तिलियां होती हैं जिनसे पटिच्चय समुत्पाद का धमचक्र बनता है, जो उनको तोड़ देता है, हत कर देता है, हंत कर देता है, उसको अरहंत बोलते हैं। अरहत भी बोलते हैं, अरहंत भी बोलते हैं। तो ये उन्हीं लोगों का अवग है, उन्हीं की बातें हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली, अमृत पद को चख लिया या अमृत पद प्राप्त कर लिया या अमर हो गए। इसकी पहली जो कथा है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं देवदत्त की कथा आपको विस्तृत में एक बार बताऊंगा, थोड़ा सा अंश इसमें आया है। देवदत्त भगवान बुद्ध का कजिन था, फुफेरा भाई। वो दीक्षा उसने ली और सिद्धियां भी उसने प्राप्त की, रिद्धि बल उसका बहुत तगड़ा था। रिद्धि बल उसको बोलते हैं जो अलौकिक बल होता है, यानी मनोवैज्ञानिक जो बल होता है उसको बोलते हैं इद्धि बल, जो इद्धि रिद्धि करके आता है उसके हिसाब से। एक बार भगवान बुद्ध राजगीर में, यानी राजगृह में, जो गिज्जकूट है, गिज्ज का मतलब है गिद्धकूट या गिद्धकूट, वल्चर जिसको बोलते हैं, जिसको गिद्ध बोलते हैं, तो गिद्धकूट पर्वत पे, गिद्धकूट पर्वत पे या गिज्जकूट पर्वत पे, पर्वत के नीचे के हिस्से में छाया में चारिका कर रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे। देवदत्त उनको मारना चाहता था, इसलिए उसने ऊपर से एक पहाड़ी को उनकी तरफ लुढ़का दिया। पहाड़ी की आवाज सुन के और पहाड़ी को आता देख के भगवान बुद्ध एक साइड में हो गए, मगर पहाड़ी का एक टुकड़ा टूटकर उनके पैर में लग गया और उनके पैर से खून बहने लगा बहुत ज्यादा। तो भिक्खु संघ थोड़ा सा चिंतित हुआ। भिक्खु संघ उनको जो राजवैद्य था, यानी कि जो सबसे बड़ा भैषज गुरु था, जो सबसे बड़ा चिकित्सक और डॉक्टर था, जीवक, जीवक सबसे बड़ा फिजिशियन भी था और सबसे बड़ा सर्जन भी था, उसके पास लेके गए। उसका एक आम वन था, आमियों का वन, वहां जाके पूरा भिक्खु संघ ठहरा। जीवक वहां आया, जीवक ने आके भगवान बुद्ध की दवाई लगाई और पट्टी बांधी। पट्टी करने के बाद में जीवक चला गया और मरीजों को देखने के लिए शहर के अंदर, राजगीर के अंदर, और शाम उसे हो गई। मरीजों को देखते देखते राजगीर के दरवाजे बंद हो गए। जब शहर के दरवाजे बंद हो गए तो वो बाहर नहीं जा सकता था और पट्टी शाम को खोलनी थी, दवाई का टाइम हो गया होगा। तो उसको चिंता होने लगी कि भगवान बुद्ध को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही होगी, क्योंकि पट्टी अपना काम कर चुकी होगी, अब दवाई की जगह नुकसान करेगी, जहर करेगी, पीड़ा पहुंचाएगी। तो उसे चिंता में उसने शहर में रात काटी। उधर जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने आनंद से कहा कि पट्टी को खोल दो। शाम के टाइम आनंद ने पट्टी को खोल दिया, उन्होंने अपने घाव को देखा, अब उनका घाव काफी ठीक था और दर्द नहीं हो रहा था। सुबह को जैसे ही शहर के नगर के फाटक खुले, जीवक दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और घबराया सा हुआ सा। जब आम्रवन में पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध के पैर में पट्टी बंधी हुई नहीं है, खुली हुई है, तो उसने राहत की सांस ली। उसने भगवान बुद्ध के पैर का निरीक्षण किया, देखा, परीक्षण किया और उनसे कहा कि आपको बहुत पीड़ा हुई होगी, बड़ा दर्द हुआ होगा। तब भगवान बुद्ध इस गाथा को कहते हैं। गाथा इस प्रकार है, गाथा नंबर 90। गत दिनों विशोकस्य विपमुत्तस्य सबधि सब ग्रंथ
पहिनस्य परिणाहो ने विज्जति। गत दिनों, एक एक शब्द इस गाथा का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान बुद्ध अर्थ की गाथा है और अर्थ के जो शब्द है वो थोड़े से गूढ़ होते हैं। गत दिनों, गत दिनों का मतलब है गतद जो होता है उसको बोलते हैं, जो गत को सिद्ध कर ले, यानी कि सिद्ध किया हुआ गत, जो किया हुई सफलता, यानी जिसको सफलता प्राप्त हो चुकी है, सफलता हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति गत दिनों यानी गदत दिनों, जिसने अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया है। विशोकस्य मतलब जिसको शोक नहीं है, विशोक है जो, यानी कि जिसको शोक नहीं है, शोक नहीं है, शोकस्य को। विपमुतस्य का मतलब है जो पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। पमुत का मतलब है पूरी तरह से मुक्त, इससे का मतलब है को, और वी माने पूरी तरह से। विपमुतस्य शब्दि जो शब्द है, शब्दि का मतलब है हर तरह से, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। इसको हम सबदा, सबदा, सबसदा, सबतो, सबत, सबत या सबथा, सर्वदा या सर्वतत्व, सर्वत्र, शब्दि, ये सारे शब्दों का मतलब एक है। इसका मतलब है हर तरफ से, चारों प्रकार से, पूरी तरह से, सर्वदा, सर्वथा, शब्दि। सब गंथ पहिनस्य, सब गंथ पहिनस्य का जो शब्द है, ये एक बड़ा शब्द है जो कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सब माने तो होता है सब, गंथ माने होता है गांठें, गंथ का मतलब है गांठें, जैसे गंठी बोलते हैं, गांठ या गंथ माने गांठ। पहिनस्य का मतलब है पूरी तरह से खत्म, यानी पहीन, हीन माने खत्म होता है। पहिनस्य का मतलब है पूरी तरह से खत्म, और इससे का मतलब है को, यानी कि जो सारी गंठ को, सारी गांठों को पूरी तरह से खत्म कर चुका हो। चार तरह की गांठ बताई हैं, चार तरह की गांठों के मैं नाम आपको बता देता हूं। चार तरह की गांठ में एक तो आती है अभिज्ञा। अभिज्ञा जो होता है उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जो लोभ और ग्रीड है उसको पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, अभिज्ञा को। दूसरा आता है व्यापाद। व्यापाद का मतलब है जो दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचता रहता है या करता रहता है, दूसरे को नष्ट करने के बारे में सोचता रहता है, उसको व्यापाद बोलते हैं। तीसरा आता है सीलबतंग। सीलबतंग परामास, सीलबतंग परामास मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है, जो नियम है, सील माने नियम होता है, व्रत माने उनको मानना या उनको करना होता है, उनसे अलग रहना होता है, यानी कि ऐसे जो सील है, ऐसे जो नियम है जो धर्म में नुकसान देते हैं, उन सबको छोड़ना, ऐसी बातें जो पहले से चली आ रही हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो आडंबर हैं, जो पाखंड हैं, उन सबको छोड़ना, यानी कि वो सारे नियमों को, व्रतों को, सीलों को, ऐसे नियमों को छोड़ चुके हैं। और चौथा और आखिरी है इदंग सच्चा भी निवेश। इदंग सच्चा भी निवेश का मतलब है, इदंग माने यह है, और सच माने है सच्चा, और अभिनिवेश माने है ऐसी निष्ठा जो सिर्फ मैं ही मानता हूं और उसको मैं करता हूं, यानी कि यह जो मेरी निष्ठा है या जो मेरी बात है बस यही सच है, ऐसा कहने वाले को इदंग सच्चा निवेश बोलते हैं, यानी कि मैंने जो कहा है, मैंने जो सोचा है, मैंने जो विचार दिया है, बस वही ठीक है, और कोई सब बाकी बेकार है, उसको छोड़ चुके हैं। तो ये चार प्रकार की गांठ है, ये चार प्रकार की गांठों को जो छोड़ चुका है। परिणाहो, परिणाहो का मतलब है परिणाहो, परिणाहो का मतलब होता है परि माने पूरी तरह से, और णाहो का माने होता है दुख या संताप या कष्ट, यानी दो तरह के कष्ट को परिणाहो बोलते हैं, एक तो जो काया में शरीर में जितने भी कष्ट होते हैं वो, और एक जो चैतसिक या मन के जो कष्ट होते हैं वो। परिणाहो ने विज्जति, विज्जति का मतलब है विद्वान होता है, यानी कि नए विद्वान होता है, उसके अंदर विद्वान नहीं होता, रहता है। तो इस पूरी गाथा का जो मतलब है वो इस प्रकार से है, जिसने रास्ता पूरा कर लिया है या जो अपने मार्ग पे पूरी तरह से चल चुका है, या जिसने जो उच्चतम रास्ता है वो सफल कर लिया है, सिद्ध कर लिया है, वो शोक रहित हो जाता है, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, चारों तरफ से सर्वता, सब तरह से मुक्त हो जाता है। सब गंध हीनस्य
यानी जितनी भी तरह की गांठें हैं चारों प्रकार की सारी उसकी खत्म हो जाती है, परिणाम हो न विजती, और उसको किसी भी हालत में उसके अंदर कोई भी किसी तरह का दुख नहीं होता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा कि अब उनको दुख नहीं होता, अब उनको किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि बोधि लाभ जब से उनको हुआ है तब से काया का और यह मन का जो उनका दुख है वो पूरी तरह से जाता रहा। चाहे शरीर में कितने भी घाव हो जाएं, चाहे कोई मन में कितना भी कोई जहर देने की कोशिश करे, अब उन्हें कष्ट नहीं होता। वो दूर से इसको देखते हैं, समझते हैं, जान लेते हैं, शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको तेज सर में दर्द हो रहा है, तेज सर में दर्द हो रहा है तो ये आपके ऊपर है कि आप दर्द को देख कर आए आए मरा मरा ओ या आपके मुंह से हाय हाय निकलता है या कम निकलता है या ज्यादा निकलता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कष्ट में चुपचाप पड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोग जरा सा दर्द होता है बड़ी नौटंकी करते हैं, सर उठा लेते हैं, उन पर बर्दाश्त नहीं होता। और जो विपस्ता करे हुए है और जो सिद्ध कर चुका है अपना रास्ता और जो अमृत को प्राप्त हो चुका है, दुखों से विमुक्त हो चुका है, उस पर तो कितने कष्ट आ जाए, उसके चेहरे से भी सिकर नहीं आएगी, आंखों से भी सिकर नहीं आएगी, चेहरे से नहीं आएगी। क्योंकि जो कष्ट होता है, जैसे भगवान बुद्ध का पैर कटा, तो पैर कटने के बाद क्या हुआ कि तीव्रताएं आती है, यानी जो शरीर है वो अपने आप को रिपेयर करता है, वो एक मैसेज देता है, एक सिग्नल देता है ब्रेन को कि यहां चोट लगी है। उनकी इंटेंसिटी आती है, उसकी तीव्रता आती है, वो तीव्रता माइंड में आती है। अब मन से जो ब्रेन से तीव्रता आई है उसको आपको मन में ग्रहण करना है या नहीं, यानी तीव्रता तो आ रही है, इंटेंसिटी तो आ रही है, पेन तो आ रहा है, उसकी जो वेव्स हैं, वाइब्रेशन है या वेदना है वो आ रही है लगातार। चोट लगी है तो सबको आएंगी, अगर शरीर है तो सबको आएंगी, चाहे भगवान बुद्ध है, चाहे कोई साधारण व्यक्ति है, चाहे कोई प्राणी है, चाहे कोई जीव है, चाहे कोई बच्चा है, वो सबको आती है। तो तीव्रताएं आती हैं, बहुत तेजी से आती हैं, बहुत कम भी आती हैं, मगर वो आपके मस्तिष्क में आती हैं, आपके ब्रेन में आती हैं, आपके दिमाग में आती हैं, आपके मन में नहीं आती, दिमाग से ब्रेन से फिर वो मन में आती हैं। तो हर एक व्यक्ति की जो तीव्रता है वो पहले उसके प्रोसेसर में आती है, यानी कि उसके मस्तिष्क में आती है, उसके ब्रेन में आती है, वहां से मन में आने में आपको ग्रहण करनी है या नहीं, बस ये सारा खेल है। जो विमुक्त व्यक्ति होता है, जो परे जा चुका होता है, जो अपने आप को सिद्ध कर चुका होता है, जो अनंत होता है, वो मस्तिष्क से मन में ग्रहण नहीं करता। इस बात को ध्यान रखना कि मस्तिष्क अलग होता है और मन अलग होता है, यानी ब्रेन अलग है और माइंड अलग है। माइंड से अगर आप उसको रिसीव करोगे और ग्रहण करोगे, वेदना को, तीव्रता को, सेंसेशन को, तब कष्ट होगा, तभी खुशी होगी। किसी ने आपको 10,000 रुपया दिया, आपके ब्रेन में वो मैसेज आया कि 10,000 रुपये मिला है और आपने वो अपने मन में आने दिया, तो उसकी खुशी का रिएक्शन हो सकता है, और अगर मन में नहीं आने दिया तो फिर आप ऐसे के ऐसे हैं। ये जो पहली गाथा है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गिद्ध कूट पब्बत की है। कूट माने जो होता है फॉल्स होता है, वो जो पब्बत है, जो पहाड़ है, वो गिद्ध जैसी शक्ल का बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, वहां जाके लोग देख सकते हैं। वहां भगवान बुद्ध चारिका करते थे, उनका संग था, वहां चारिका करके वहां देखा जाता था, तो गिद्धकूट जैसी शक्ल है उसकी। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
शरणं गच्छामि तदीयेऽपि धम्मं शरणं गच्छामि तदीयेऽपि धम्मं शरणं गच्छामि तदीयेऽपि संघं शरणं गच्छामि कामेश मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि कामेश मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि कामेश मिथ्याचार विरमणि